देहरादून से खबर मिल रही है जहां पर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है। शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले। स्वास्थ्य, शिक्षा और कुंभ से जुड़े कामों पर चर्चा संभव है। कुल मिलाकर देखा जाए ये बैठक काफी अहम होने वाली है और इस बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा की जा सकती है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक है, शाम 4 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें शिक्षा और क्योंकि महाकुंभ की भी तैयारी चल रही है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है कि तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, कहां तक काम पहुंचा है। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा और कुंभ से जुड़े कई कामों पर आज चर्चा संभव है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक है, शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की अहम बैठक। बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा और कुंभ से जुड़े कामों पर चर्चा संभव मानी जा रही है, क्योंकि देवभूमि में भी लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो किस तरह से जो है टेस्टिंग हो रही है, कहां पर ज्यादा और ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है, इस बात पर चर्चा हो सकती है। कहां से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं और कहां लापरवाही सामने आ रही है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। वहीं शिक्षा को लेकर भी, क्योंकि अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी है, स्कूल भी खोलने लगे, तो उसको लेकर भी इस बैठक में माना जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। वही कुंभ के मेले से जुड़ी हुई कई तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर चर्चा हो सकती है कि तैयारियों कहां तक पहुंची है, कहां पर ढिलाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये कुल मिलाकर देखा जा रहा है ये बैठक काफी अहम होने वाली है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है, शाम 4 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले। स्वास्थ्य, शिक्षा और कुंभ से जुड़े कामों पर चर्चा संभव मानी जा रही है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है, काफी अहम बैठक होगी। शाम 4 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। वहीं बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले, कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव मानी जा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कुंभ से जुड़े कामों पर चर्चा संभव मानी जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगेगी, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी और कैसे जो है बेहतर काम किया जा सकता है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, उस पर चर्चा होगी। वहीं शिक्षा को लेकर भी चर्चा हो सकती है बैठक में कि शिक्षा को अब कैसे धीरे धीरे सुचारू किया जा सके, क्योंकि अब स्कूल कॉलेजेस धीरे धीरे खोले हैं, तो कैसे जिंदगी जो पटरी पर आ रही है, तो स्कूल को भी कैसे क्या नियम बनाए जाए, किस तरह से खोला जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नवीन पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नवीन पांडे, आज उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली, माना जा रहा है कई अहम फैसलों पर इस दौरान चर्चा होगी। कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जिन पर चर्चा संभव मानी जा रही है, कौन से ऐसे फैसले हैं जिन पर मुहर लग सकती है? जी बिल्कुल खुशबू, मैं आज सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि कैबिनेट की जो शाम को 4 बजे बैठक होने जा रही है, उसमें सबसे अहम बात यह होगी कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है, उस पर कई चीजों पर मुहर लगेंगी। और पहली बार गैंडसैंड में जो है बहुत धूम धमाके से सरकार जो है योजना बना रही है, नीति बना रही है कि वहाँ पे वो इसको सादगी के साथ मनाएगी, लेकिन पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसका कैबिनेट में मुहर लग सकती है और लगेगी। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने जो है इस मामले में पूरी बैठक करके रणनीति बना ली थी और इसी पे मुहर लगेगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 9 नवंबर चूंकि 20 साल पूरे हो रहे हैं राज्य को, 20वें वर्षगांठ मना रही है राज्य और 21वें स्थापना दिवस होगा, ऐसे में कई ऐसे मुद्दे होंगे कैबिनेट में जिसमें राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। दीपावली की बोनस, लगभग 1.5 से 2 लाख कर्मचारी राज्य कर्मचारी हैं जिन्हें ये तोहफा दिया जा सकता है, अधिकृत तौर पर कैबिनेट इस पर मुहर लगा सकती है। स्वास्थ्य को लेकर जो नर्सिंग की नियमावली है उसमें कुछ बदलाव के आसार हो सकते हैं, उस पर कैबिनेट मुहर लगा सकती है। जो आने वाला महाकुंभ है जो सबसे अहम है, जिसमें अभी मुख्य सचिव ने 300 करोड़ रुपए की अभी 2 दिन पहले ही उस पर प्रस्ताव पे मुहर लगाई है, तो संभव है कि ये प्रस्ताव जो है कैबिनेट में आएगा और उस पर पूरी मुहर लगाई जाएगी, जिसमें कुंभ में पुल बनाना, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जो श्रद्धालुओं से संबंधित है उसे लेकर, और ये भी संभव है खुशबू कि कोरोना काल को लेकर किस तरीके से महाकुंभ में श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, जनवरी से कुंभ के सारी तैयारियां मतलब लगभग शुरू हो जाएंगी, स्नान शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, तो ये सब चीज़ों को लेकर लग सकती है। और भी कई शिक्षा विभाग को लेकर कुछ अहम बातें होंगी, उसमें कुछ पुल हैं जिसको उन्होंने
उस पर बजट को लेकर मुहर लगानी है, वो सब सारी चीज़ें इसमें आएंगी। 4 बजे ये सारी चीज़ों पे पूरा खुलासा होगा कि क्या क्या चीज़ें आखिरकार इस पे कैबिनेट बैठक में मुहर लगी है। लगातार जो विपक्ष हमलावर है कि जो कुंभ की तैयारी चल रही है, कह रहे हैं कि विपक्ष का कहना है कि कुंभ की कोई भी तैयारी नहीं चल रही है, जमीनी स्तर पर काम नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर इस पर चर्चा होती तो काफ़ी अहम है। जी बिल्कुल, वैसे तो जो सरकार चाहेगी, जो सरकार का मोटिव है, मकसद है कि 9 नवंबर चूंकि राज्य स्थापना दिवस है तो इसे एक सौहार्दपूर्ण ढंग से ही इस कैबिनेट को चलाया जाए, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आने वाले समय में चूंकि महाकुंभ होने वाला है और महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अभी भी आप जो देहरादून से नेपाली फॉर्म एक जगह है उससे आगे अगर आप हरिद्वार की तरफ बढ़ते हैं तो अभी भी कई पुल अधूरे हैं। हालांकि मेला अधिकारी दीपक रावत जो है हरिद्वार से, जो मेला अधिकारी बनाए गए, उनका ये कहना है कि ये चीजें जो है दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी, लेकिन यहीं पे जो विपक्ष है, कांग्रेस है, आप हैं और जो भी दल हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि अभी तो 80% 70% भी काम नहीं पूरे हुए हैं पुलों के, तो ऐसे में कैसे ये इतनी 2 महीने 3 महीने में इन चीजों को पूरा कर लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ कुछ देर बाद बताना चाहूंगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।